मान रहीम आज हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस हमारे पास उसका लेक्चर सेवन है हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद ए पी है यहाँ पर एफएससी बीएस बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेयर करें हमारे पास आज सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट्स तो हमारे पास पहली डेफिनेशन है अपर बाउंड ट एस बी आ सब नॉन एमटी सब सेट ऑफ आर हमारे पास एस सब सेट है आर का द सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ़ देर एग्जिस्ट अ नंबर यू बिलोंग टू आर सच दैट एस सब सेट ऑफ एस लेस देन इक्वल टू यू ये सब सेट का साइन है और ये लेस का है इसका मतलब यू बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर आर और एस बिलोंग टू सबसेट एस जो के आर का क्या है सबसेट है तो इसका मतलब एस सबसेट ऑफ़ यू फॉर ऑल एस बिलोंग टू एस ईच सच नंबर यू इज़ कॉल्ड एंड अपर बाउंड देखें जब आपके पास जो आपके पास एस जो सबसेट है आर का उसका जो हर एलिमेंट है वो यू से क्या हो लेस हो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जाम्पल है सेट एस है जिसमें एलिमेंट है वन टू थ्री फोर अप टू साउंड ट्वेंटी अगर आप देखें तो जो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है वो क्या है ट्वेंटी बाकी जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो इस नंबर से क्या हैं छोटे हैं अगर मैं जहाँ पे आपको लिखूँ कि एम हमारे पास greater than equal टू ट्वेंटी इसका मतलब है कि एम ग्रेटर गल ट्वेंटी का मतलब है इज़ द अपर बाउंड ऑफ एस जो हमारे पास ट्वेंटी से बड़ी वैल्यू होंगी वो इस सेट की क्या कहलाएंगी अपर बाउंड और इसकी लोअर बाउंड क्या है वन जिसको हम स्मॉल वन से डिनोट करेंगे और अपर बाउंड को हम कैपिटल एम से इसका मतलब है कि बाकी सारी वैल्यू जो वन से क्या है बड़ी हैं तो इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ एम लेस देन वन तो इसका मतलब एम जो है वो यहाँ किसको शो करता है लोअर बाउंड को इसका मतलब जो इस सेट में वन से छोटी वैल्यूज़ होंगी वो इसकी क्या कहलाएंगी अपर बाउंड तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो एम है ये अपर बाउंड है जो वन है वो इसकी क्या है लोअर बाउंड है तो इसका मतलब एस लेस इक्वल टू यू इसका मतलब जो यू है हमारे पास ये इसको आप बोलेंगे अपर बाउंड इसी तरह हमारे पास डेफिनेशन है लोअर बाउंड की लेट एस बी या नॉन एम टी सब सेट आर एस हमारे पास यहाँ जो है सबसेट आर का है सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ़ देर एग्जिस्ट था नंबर डब्ल्यू डब्ल्यू बिलोंग टू आर जैसे हमारे पास पहले यू था सच दैट डब्ल्यू लेसन इक्वल टू स्मॉल एस डब्ल्यू बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर और जो हमारे पास है एस बिलोंग टू सेट एस आगे जो एस है ये सबसेट किस का है आर का अगर डब्ल्यू लेसन इक्वल टू हो एस तो ये डब्ल्यू हमारे पास जो है ये क्या है लोअर बाउंड लोअर बाउंड फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है वन तो हमारे पास यहाँ एम की वैल्यू जो वन है वो इसकी क्या है लोअर बाउंड है जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है वन वन बाई टू वन बाई थ्री अप टू सोन वन ओवर एन तो देखें इस सेट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है वन तो जो वन है वो इसकी क्या है अपर बाउंड अगर आप देखें वन वन बाई टू वन बाई थ्री वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं तो कहाँ तक ये पहुँचेंगी वैल्यू ज़ीरो पे तो इसका मतलब जो हमारी लोअर बाउंड है वो क्या है जीरो अब जीरो हमारी लोअर बाउंड है लेकिन डज नॉट बिलोंग टू एस ये कंपल्सरी नहीं है कि जो आपके पास लोअर बाउंड या अपर बाउंड है वो सेट को बिलोंग करे अब हमारे पास है बाउंडेड सेट हर वो सेट बाउंडेड होगा जिसमें जो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबाव भी हो यानी जिसमें उसकी लोअर बाउंड भी हो और उसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे आगे हमारे पास है अनबाउंडेड सेट ए सेट एस इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड हर वो सेट जो बाउंडेड नहीं होगा वो हमारे पास क्या होगा अनबाउंडेड होगा सुप्रीमम इसको सुप्रीमियम बोलते हैं या हम इसको बोलते हैं अपना लीस्ट लीस्ट अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड जिसको लिखते हैं एल यू बी लेट एस बी अ नॉन एम सबसेट ऑफ आर यहाँ एस हमारे पास सब सेट है आर का इफ एस इज above, then देन number नंबर यू इज सेट टू बी सुप्रीम और लीस्ट अपर बाउंड इफ़ इट्सफाइड दी कंडीशन देखिए वो आपके पास कंडीशन क्या थी अपर बाउंड की एस सब एस लेस देन यू यू बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर आर एस बिलोंग टू सब सेट एस तो जो हमारे पास एस था वो सब सेट था आर का पहली कंडीशन है यू इज़ अपर बाउंड तो यूज़ की क्या होगी अपर बाउंड सेकेंड है इफ़ वी इज़ एनी अपर बाउंड ऑफ एस देन अगर वी उसमें के पास वी अगर एस में कोई और अपर बाउंड है तो फिर मस्ट है कि जो वी है वो यू से है हमेशा क्या होगा छोटा तो अब हमारे पास यहाँ वी क्या है अपर बाउंड है जिसको हम क्या बोलते हैं सुप्रीम अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल थी एग्ज़म्पल है वन टू थ्री फोर अप टू साम ट्वेंटी अब आप देखें जो एस में सबसे बड़ी वैल्यू वो है? है. है वो क्या है ट्वेंटी है इसका मतलब जो इसकी सुप्रीम ऑफ सेट एस है वो क्या है ट्वेंटी और जो इसमें लोअर लोएस्ट वैल्यू है वो क्या कहलाती है इनफिनिमम जिसको हम बोलते हैं ग्रेटस्ट लोअर बाउंड इनफिनिमम को तो वो हमारे पास क्या है वन तो दूसरे एग्जांपल दिए हमारे पास वन वन बाई टू वन बाई थ्री अप टू सोन वन ओवर एन तो देखें जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू वो क्या है एम तो सेट जो एस है उसकी जो सुप्रीम है वो क्या है वन जो इसकी इन्फिनिमम है देखें जो वैल्यू कम होती है कहाँ पर पहुंचेगी ज़ीरो पे जो इसकी इन्फिनिमम है वो क्या है ज़ीरो लेकिन डज नॉट बिलोंग टू सेट एस इन्फिनिमम देखें इफ एस इज अ बाउंडेड बिलो देन ए नंबर डब्ल्यू इज सेट टू बी इनफिनिमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको हम लिखते हैं जी एल बी ग्रेटस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस इफ़ इट इज सेटाइड दी कंडीशन वो कंडीशन क्या थी कि डब्ल्यू लेसन एस तो डब्ल्यू हमारे पास यहाँ क्या थी लोअर बाउंड इफ टी इज़ एन अदर लोअर बाउंड ऑफ एस अगर वो कहता है कि टी एक और लोअर बाउंड एस में है तो वो इसका मतलब है जब जो लोअर बाउंड होती है वो सबसे क्या होती है छोटी वैल्यू तो टी लेसन एक टी हमारे पास यहाँ पे क्या है <coughs> लोअर बाउंड एग्जाम्पल दी हुई है ए हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव अगर आप देखें तो फाइव यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है इसका मतलब है फाइव लेसल वन फाइव ग्रेटेंकल टू टू फाइव ग्रेट एंकल टू थ्री फाइव ग्रेटेंकल टू फोर फाइव ग्रेटेंकल टू फाइव तो इसका मतलब फाइव जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है तो जो हमारे पास फाइव है वो क्या होगी लीस्ट अपर बाउंड और जो वन है जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारी पास क्या होगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं तो क्या आएगा वन नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे बी हमारे पास है एक्स बिलोंग टू आर एक्स ग्रेटर देन वन अगर आप लिखें एक्स ग्रेटर देन वन को लिखें इसका मतलब है वन टू इन्फिनिटी तो यहाँ देखें जो हमारे पास आपसे जो इसको जो अप्रोच करेंगे उस आपको वो क्या होगी इन्फिनिटी तो आपको पता है इन्फिनिटी डज नॉट बिलोंग टू आर आपने कहा था जो अपर बाउंड हो है, वो किस में बिलोंग करे आर में और वो किसका सबसेट था एस लेस देन यू और जो आपके पास है एस वो किसका सबसेट था आर का तो इसका मतलब है कि इस जो आपके पास सेट बी है इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती इट इज़ नॉट बाउंड अबव बिकॉज इट हैज़ नो लीस्ट अपर बाउंड तो इसका मतलब इसमें लीस्ट अपर बाउंड नहीं है तो जो इसकी सबसे छोटी वैल्यू वो क्या है वन तो यहाँ पे हमारे पास एम इसकी क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या सिंपल जिसको हम क्या बोलते हैं लोअर बाउंड अगर आप इसको देखें तो हमारे पास क्या है वन टू वन तो वन देखें इसकी क्या है लोअर बाउंड और बी टू इसकी क्या है अपर बाउंड तो देखें इस सेट में इसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है इसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है और इसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है तो मस्ट है कि जो जो सेट है ये क्या है बाउंडेड है और ये क्या है जो आपके पास सेट बी है ये क्या है अनबाउंडेड है तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी हमारे पास नेक्स्ट प्रूफ है आर्शमीडियन प्रॉपर्टी इफ एक्स बिलोंग टू आर देन देर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंग टू एन सच दैट एक्स लेस इक्वल टू एन एक्स एक्स लेस इक्वल टू एन एक्स अगर आप ये डेफिनेशन देखें अगर आप ये डेफिनेशन देखें हमारे पास है किसको फॉलो करेगी आपने लिखा था कि एस लेस इक्वल टू एस लेस इक्वल टू यू तो देखें अगर आप इस देखें, तो प्रूव को देखें, इसको देखें तो ये किसको आपका शो करती है अपर बाउंड को तो आपने क्या लिखा था कि एस हमारे पास सबसेट ऑफ आर है और यू बिलोंग टू आर एस ऑल्सो बिलोंग टू सेट एस जो सबसेट किसका था आर का तो फिर एस लेसन इक्वल टू यू अगर आप देखें तो ये जो आर्स मीडियम प्रॉपर्टी है ये दरअसल अपर बाउंड की एक टाइप है तो देखें प्रूफ मैं इसका प्रूफ करता हूँ फार कंट्रेरी कंडीशन फार कंट्रेरी कंडीशन तो देखें हमने क्या साबित करना है कि एक्स लेसन इक्वल टू एन एक्स तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ इसका उलट कि एन लेसन इक्वल टू एक्स मैंने क्या कर लिया इनक्वायर को क्या कर दिया मैंने कैसा यहाँ एक्स लेसनिकल टू एन है तो मैंने लिख दिया एन लेसन टू एक्स मैंने इसका उलट ले लिया अगर आप डेफिनेशन के मुताबिक देखें यहाँ यू हमारे पास क्या थे अपर बाउंड अब एक्स हमारे पास क्या है अपर बाउंड एक्स इज़ अपर बाउंड ऑफ सेट एन बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी मैंने बोला कि यू जो हमारे पास है ये सुप्रीमम है सुप्रीम ऑफ सेट एन अगर ये सुप्रीमम है तो इसका मतलब U इज इक्वल टू सुप्रीम ऑफ एन जैसे मैंने लिखा था कि सुप्रीम ऑफ जो हमने एग्जाम्पल ली थी एस लिया था हमने एस वन टू थ्री अप टू ट्वेंटी जो हमारे पास सुप्रीमम ऑफ सेट एस था उसको मैंने क्या बोला था ट्वेंटी तो यहाँ जो मेरे पास सुप्रीमम ऑफ सेट एन है उसको मैंने क्या बोल दिया u अगर u हमारे पास सुप्रीमम है या जिसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड अगर हम इसमें से कोई नंबर माइनस करें फॉर एग्जाम्पल यू माइनस वन इज़ नॉट अपर बाउंड क्योंकि अपर बाउंड क्या होती है जो सबसे उस सेट में सबसे बड़ी वैल्यू होती है अगर यू उसकी अपर बाउंड है या सुप्रीमम है तो यू माइनस वन कभी भी उसकी अपर बाउंड नहीं होगी तो फिर मैंने क्या लिया एक मैंने एलिमेंट लिया एम बिलोंग टू एन तो मस्ट है कि यू माइनस वन लेस देन एम इसको उधर ऐड कर दें तो यू लेस देन एम प्लस वन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिलोंग टू एन मैंने कहा था कि यू क्या है अपर बाउंड है तो अपर बाउंड उस सेट की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया एम प्लस वन इसका मतलब है कि अब यू क्या है वो अपर बाउंड नहीं है अपर बाउंड का क्या मतलब है कि वो उस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू होती है तो यहाँ जो U है वो लेस देन क्या है एम प्लस वन इसका मतलब विच इज़ कंट्रोडक्शन आवर सपोजिशन मैंने यू को क्यों बोला था अपर बाउंड बोला था इसलिए इसका मतलब मैंने बोला था कि एन तो मस्ट है फिर एन एक्स लेस देन सॉरी एक्स लेस देन एन एक्स तो देखें यही मैंने प्रूफ करना था देखें यहाँ वन हो गया एन बिलोंग टू हमने क्या हमने तो यू को क्या बोला था अपर बाउंड लेकिन ये तो अब यहाँ लोअर बाउंड की लोअर बाउंड बन रही है यू लेसनकुल प्लस वन इसका मतलब अगर ये अपर बाउंड है तो ये उसकी क्या है फिर लोअर बाउंड सपोजिशन तो यू इज अ सुप्रीम तो मस्ट है कि हमारे पास एक्स लेस इक्वल टू एन एक्स नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है देंसिटी थ्योरम क्या है कि इफ एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर विद एक्स लेस देन वाई देखिए हमारे पास एक्स एंड वाई क्या है रियल नंबर्स हैं और हमें गिवन है कि एक्स लेस देन क्या है वाई अगर मैं इसको तो माइनस करूं तो वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो नेक्स्ट है देन देर एग्जिस्ट आर रैशनल नंबर आर हमारे पास आर क्या है रैशनल नंबर है देखें एक्स और वाई रियल नंबर हैं और आर क्या है सच दैट एक्स लेस देन आर लेस देन वाई इसका मतलब है कि दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशन नंबर है ये हमने साबित करना है तो देखें यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे आर्स मीडियन प्रॉपर्टी को यह हमारे पास ये क्रोलरी थी जिसमें हमने आर्स मीडियस को हमने यूज़ किया है अगर आप देख लें इसको पेज नंबर फाइव पे है या आपके वहाँ मेरे पास जो एप्सलॉन होता है वेरी वेरी स्मॉल नंबर इनका हम इस्तेमाल करेंगे तो अब आप देखें वन ओवर एप्सलॉन लेस दैन क्या है एन अगर हम इनका रेसिप्रोकल लें एन का रेसी प्रोकल वन ओवर एन इसका रेसीव एप्सिलान तो इन क्वालिटी क्या हो जाती है चेंज तो देखें ग्रेटर का क्या हो गया लेस तो अब आप जो इम्पोर्टेंट है इसमें से हमारे पास एन ग्रेटल टू के अगर आप और अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन अगर आप इनका रेसिप्रोकल लें जो सबसे छोटी है बड़ी है वो सबसे छोटी जो सबसे छोटी होगी वो सबसे क्या हो जाएगी बड़ी इक्वल टू वन ओवर के लेस देन वन ओवर एप्सिलॉन ये वाली कंडीशन भी हम यूज़ करेंगे ये हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जब कन्वर्जेंट की तो उसमें ये हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे कि एक लिमिट लिमिट को कब आपकी कन्वर्ज करती है तो ये हम छोटा सा एक आर्टिकल है जो यूज़ करेंगे तो देखें हमारे पास प्रूफ है डेंसिटी थ्योरम का जो मैंने बताया था कि दो रियल नंबर के दरम्यान एक रैशनल नंबर लाई करता है इट इज़ नो लॉस ऑफ जर्नली टू अज्यूम दैट एक्स ग्रेटर दैन जीरो सिंस वाई माइनस एक्स आल्सो ग्रेटर दैन ज़ीरो तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है हमने पढ़ा था कि वन ओवर एन लेस देन के n तो वन ओवर एन लेस देन ये किसका काम कर रहा है के का वाई माइनस एक्स इसको तो मल्टीप्लाई कर दें वन लेस देन एन इन टू वाई माइनस एक्स वन लेस देन एन वाई माइनस एन एक्स इसको पॉजिटिव करें एन एक्स प्लस वन लैस देन एन वाई तो ये देखिए मैंने लिख दिया अब अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि एन एक्स हमारे पास क्या है पॉजिटिव क्योंकि हमने एक्स को क्या बोला है ग्रेटर देन जीरो तो एन के हमारे पास यहाँ क्या था नंबर डेफिनेशन में पॉजिटिव अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव सिंस एन एक्स ग्रेटर दैन जीरो देन देर एग्जिस्ट एन बिलोंग टू एन मैंने एक एलिमेंट ले लिया सेट एन में से अगर आप देखें तो हमारे पास एन एक्स अगर एम इसकी क्या है सुप्रीमम है वो ग्रेटर होगी अगर और एम माइनस वन उससे क्या होगा लेस तो मैंने बोला था कि अगर एम हमारे पास सुप्रीमम ऑफ एन होगा तो एम माइनस वन नॉट अपर बाउंड ऑफ सेट एन तो मस्ट है कि एन एक्स लेस इक्वल टू एम और ग्रेटर एम माइनस वन मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की और वन नेगेटिव अगर क्या हो गया आप पॉजिटिव तो देखें मेरे पास यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो वो आपने देखनी है कि एन एक्स ये देखें एन एक्स एन एक्स क्या है लेस देन लेस देन एम और दूसरी कंडीशन में एम एम हमारे पास इसको दरम्यान में, में स्किप कर दें एम लेस देन इक्वल टू एन वाई एन एक्स लेस देन एम है एम आगे लेस देन क्या एन वाई इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा कि एम एक्स लेस देन एम एम देन एन वाई अब आप क्या करें दोनों तरफ आप इसको एन से डिवाइड कर दें ये देखें मैंने लिखा हुआ है कि एन एक्स लेस देन एम एम वाई लेस देन एन एन एक्स लेस देन एम लेस देन एन वाई दोनों तरफ इसको एन से क्या कर दें आप डिवाइड कर दें तो आपको पता है कि एम ओवर एन क्या होते हैं रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स तो हम एम ओवर एन को मैं डिनोट कर देता हूँ आर से तो क्या हो गया इसका मतलब दो रियल नंबर के दरमियान रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट थोरम है क्रोलरी इफ़ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर विद एक्स लेस देन वाई देन देर एग्जिस्ट इरेशनल नंबर जेड सच देट एक्स लेस देन जेड लेस देन वाई देखें हमारे पास एक्स और वाई दो रियल नंबर्स हैं और जो जेड हमारे पास है इ रैशनल नंबर हैं इ नंबर जिसको हम जेड की जिसको हम पी बड़ा क्यू की फॉर्म में या एम ओवर एन की फॉर्म में ना लिख सकते हो वो कौन से नंबर होते हैं स्के रूट टू स्केयरूट थ्री रूट फाइव साथ है आप कोई भी मल्टीपल लिख दें अगर स्केयरूट टू इर रैशनल नंबर है तो उसके साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें वो फिर भी क्या होगा इैशनल नंबर होगा तो देखें डेंसिटी थुरम मैंने ले लिया एक्स ओवर स्के रूट टू वाई ओवर स्के रूट टू डेंसिटी थ्रोम क्या था कि दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर होता है आर क्या था रैशनल नंबर और एक्स एक्स और वाई दोनों क्या हैं रियल नंबर तो देखें मैंने एक्स ओवर स्केरो टू वाई ओवर स्केरो टू दोनों क्या हैं रियल नंबर और आर हमारे पास यहां पे क्या है रैशनल नंबर तो इसका मतलब कि दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर लाइक करता है तो अब मैंने रियल नंबर ये ले लिया क्या आ गया एक्स ओवर रूट टू दूसरा रियल नंबर वाई ओवर रूट टू तो दरम्यान नंबर कौन सा उनके आर रूट टू को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें एक्स लेस देन रूट टू आर लेस देन वाई तो देखें ये नंबर क्या है इ रैशनल नंबर देखें कोई भी नंबर अगर इैशनल नंबर को इ रैशनल नंबर का कोई भी नंबर मल्टीपल हो तो वो हमेशा क्या होते हैं इ रैशन नंबर देखें एक्स के रू टू वाई और ये क्या है रैशनल नंबर जिसको मैंने क्या बोला है स्के रू टू आर हमारे पास इैशन नंबर तो स्के रू टू आर को मैंने बराबर ले लिया जेड के जिसका मतलब एक्स लेस देन जेड लेस देन वाई जिस तरह डेंसिटी थ्रो में दो रियल नंबर के दरमियान इ रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है इसी तरह दो रियल नंबर के दरमियान इ रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर था रियल एनालिसिस पे